खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है। प्रेमी युगल के परिजन रिश्ते को तैयार नहीं थे। फोन पर मामूली विवाद के बाद प्रेमी युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। प्रेमिका को भी गोली मारकर लहूलुहान कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान प्रेमी की मौत हो गई और प्रेमिका का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंचे एसपी ने कहा कि 8-9 महीने से इन दोनों के संबंध थे। परिजनों से मामूली विवाद के बाद घटना को अंजाम दिया गया है। मृतक प्रेमी के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी की मौजूदगी और भीड़भाड़ की तह तस्वीरें बलिया जिला अस्पताल की हैं, जहां सोनू नाम के एक प्रेमी युवक ने शहर कोतवाली क्षेत्र के जमुआ में प्रेमिका के परिजनों से फोन पर हुए विवाद के बाद खुद को स्कॉर्पियो गाड़ी में अवैध असलहा से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं प्रेमिका को भी गोली मारकर लहूलुहान कर दिया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस की माने तो इन दोनों के संबंध पिछले कुछ महीने से थे। इनके परिजनों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, उसी बात के चलते फोन पर विवाद हुआ और ये कदम उठाया गया। भी एक सूचना मिली जहां एक लड़का और लड़की को गोली लगी, क्या है पूरा मामला और क्या स्थिति है? ये जो मृतक है इसका नाम है सोनू शालू गोड, ये रहने वाला जमुआ का है, थाना कोतवाली। और अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि स्कॉर्पियो गाड़ी में दो लोगों को गोली लगी हुई है, और क्योंकि लाइफ सेविंग की दृष्टि से तत्काल उसी गाड़ी में ही उन लोगों को लेकर यहाँ जिला अस्पताल पहुँचा। सब इंस्पेक्टर जो था मौके पर सबसे पहले गया था। फॉर्चुनेटली लड़की को कोई दिक्कत नहीं है, शी इज़ नॉट इंजर्ड ऑल्सो, और लड़की से बात भी हुई है जो उसकी महिला रूप थी, और उसने बातचीत के दौरान ये बात बताई कि इससे करीब 8-9 महीने से इस मृतक के साथ उसके रिश्ते थे, और इससे जिस पर परिवार को आपत्ति थी, आज भी शायद इसी बात को लेके घर से कुछ सुनी हुई मोबाइल पे, और उसके बाद उसी आवेश में इसने अपने आप को गोली मार ली। इसके पास एक अवैध असलहा भी था, उसी से इसने अपने आप को गोली मार ली। गाड़ी में अवैध असलहा भी बरामद हुआ है, इसका मोबाइल भी बरामद हुआ है। जो मृतक का भाई है उसके द्वारा तहरीर दी जा रही है और उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ये मामला आत्महत्या का है। जो गाड़ी थी वो भी उसकी अपनी गाड़ी थी, और मृतक की ही गाड़ी मृतक बताई गई है। उस गाड़ी किराए पे ये चला था इत्यादि था, और वही इसकी आजीविका थी।